विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे बॉडी के ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इरिटेशन रहता है, वीकनेस लगता है, थोड़ी दूर चलते ही आप थक जाते हैं, तो बहुत चांस है कि आपको विटामिन B12 का डिफिशेंसी है। विटामिन B12 कौन से फूड सोर्सेस से आता है, इसकी डिफिशेंसी से क्या हो सकता है, कैसे हम इसकी डिफिशेंसी को पहचानेंगे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो विटामिन B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे शरीर के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, सबसे नंबर वन, वो है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये हमारे शरीर में खून को बनाने में हेल्प करता है। तो खून कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा रोल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे जितने भी नर्व्स हैं, नसें हैं, उन सब का हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कमी से ब्रेन का फंक्शन में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद इसका तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ये फॉर्मेशन ऑफ DNA, हमारे शरीर में जो DNA होता है उसका फॉर्मेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और चौथा, ये हमारे स्किन का हेल्थ और हमारे हेयर्स का हेल्थ के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है विटामिन B12 का। तो ये सब तो था इसका क्या क्या रोल है। तो इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, तो इसके कमी से एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम लोग परनीशियस एनीमिया कहते हैं। ये एनीमिया से थोड़ा सा अलग होता है, ये एक तरह से एक ब्लड कंडीशन है, ब्लड खून की बीमारी है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होता है और हमें वीकनेस, शरीर में एक वीकनेस सा महसूस होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका परनीशियस अनिमिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो भी हम डायट्री विटामिन B12 लेते हैं, जो हमारे खाने के द्वारा, फूड के द्वारा जो विटामिन B12 होता है, उसको हमारा शरीर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, हम खाते तो हैं सही से, हम जो विटामिन B12 का जो सोर्सेस है हम उसको खा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, मगर हमारा शरीर उसे ले नहीं पाता है और वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 का कमी हो जाता है और परनीशियस एनीमिया इससे हो सकता है। तो ये जो परनीशियस एनीमिया का इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें परनीशियस एनीमिया है, तो सबसे पहली बात कि इसमें हमें मसल में वीकनेस रहेगा, जरा सा भी हम कुछ काम करेंगे हम थक जाएंगे, हम थोड़ी सी दूर हम चलें उसके बाद हमें हमारा सांस फूलने लगेगा, थकान सा महसूस होगा और मसल्स में हो सकता है पेन सा भी डेवलप हो जाए। उसके बाद दूसरा इसका सिम्टम्स है नौसिया, यानी कि वॉमिटिंग जैसा टेंडेंसी, हमेशा आपको एक उल्टी आने जैसा महसूस होगा, आप ब्रश करेंगे या कुछ भी मुंह में कुछ लेंगे तो आपको उल्टी जैसा आने जैसा महसूस होगा। उसके बाद तीसरा इसका सिम्टम्स है डिक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि आपको भूख नहीं कम लगेगा, आपको खाने का ही मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आपका पेट भरा भरा सा है, आपको खाने का मन नहीं करेगा, सिंपली बात है। उसके बाद इरिटेबिलिटी, यानी कि आपको दिन भर चिड़चिड़ापन सा रहेगा, आप कुछ भी छोटी सी भी बात में आप हो सकता है चिड़ जाएँ, नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिड़चिड़ापन सा, एक नॉर्मल जो एक अच्छा मूड रहता है ऐसा मूड नहीं रहा, आप हमेशा एक इरिटेशन वाला मूड में आप रहेंगे। उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी, आपको आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा, आपको सुस्त, दिन भर मंदा मंदा सा, सुस्त सा लगेगा, लगेगा कि आप सो जाएं, कहीं पे काम ना करें, कहीं पे पड़े रहें, सोए रहें, इस तरह से आपको महसूस होगा। उसके बाद इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपको लगेगा कि आपके दिल की धड़कन नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही जोर से धड़क रहा है। तो ये सब इसके डिफिशेंसीज के सिम्टम्स है, एक तरह से परनीशियस एनीमिया के सिम्टम्स है। तो जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई देता है, आपको तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए कि क्या इसका कारण हो सकता है। और विटामिन B12 की कमी है इस, ये तो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट से ही पूरी तरह से कन्फर्म होगा कि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि किनको ये ज़्यादा विटामिन B12 डिफिशेंसी होने का चांसेस है। तो सबसे पहले जब पॉइंट है वो है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को विटामिन B12 का डिफिशेंसी का प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो बच्चे में भी हो। उसके बाद है टाइप 1 डायबिटीज़, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, वो भी टाइप 1 शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनको भी ये रिस्क ज़्यादा होता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाए। उसके बाद स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फूड, यानी कि आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं
आप इवन आप दूध भी नहीं पीते हैं, एग्स भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते हैं, तो उनको ये ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व एक ज़्यादातर ये एनिमल सोर्स से आता है, ये वेजिटेरियन सोर्स में ना के बराबर पाया जाता है, तो इसीलिए जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं उनको ये होने का ज़्यादा चांस रहता है। और उसके बाद फिर जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर स्टोमक का कुछ पार्ट को इनसाइज करके हटा दिया गया, निकाल दिया गया, उस टाइप के ऑपरेशन में भी या फिर इंटेस्टाइनल ऑपरेशन सब में भी ये प्रॉब्लम होने का चांस रहता है, क्योंकि शरीर आप डाइट से तो ले रहे हैं मगर शरीर उसको ले नहीं पा रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, तो ये एक एक कारण हो सकता है। इसके बाद जिनको एचआईवी होता है, एचआईवी से ग्रस्त लोगों, क्रॉन्स डिजीज़, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और उसके बाद फिर ये बुज़ुर्गों में भी ज़्यादा पाया जाता है, बुज़ुर्गों बूढ़े लोगों में विटामिन बी ट्वेल्व लेते भी हैं अगर डाइटरी सोर्स के ज़रिए, फूड के ज़रिए, तो भी वो शरीर उसका उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये तो था इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से फूड सोर्सेस से हमको विटामिन बी ट्वेल्व मिलता है। जैसे कि मैंने अभी अभी मेंशन किया कि ये एनिमल सोर्स से ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि तो इसके लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। तो अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो उसमें भी सफिशेंट विटामिन बी ट्वेल्व रहता है जो हमारे शरीर को मिल जाता है। इसके साथ अगर आप अंडे के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो अंडे भी आप खा सकते हैं। उसके बाद फिर मीट, यानी कि जो चिकन हो गया, मटन हो गया, इन सब में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन बी ट्वेल्व रहता है। और उसके बाद फिर अंडे तो मैं बोला ही, अंडे में भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व रहता है। उसके बाद मछली, फिश भी खाने वालों को विटामिन बी ट्वेल्व की कमी कम होता है। फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स, यानी कि फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे आप जानते हैं, वो इसमें भी काफ़ी हद तक आपको विटामिन बी ट्वेल्व का मात्रा रहता है। तो इन सब खाद्य पदार्थ का आप सेवन रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको विटामिन बी ट्वेल्व कमी होता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, इसके लिए क्या करना है, क्या डाइटरी सप्लीमेंट आपको लेना है, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगा होगा, ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होते जा रहा है आजकल। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यंग लोगों को बहुत जल्दी इरिटेशन, बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि मूड स्विंग होता है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि विटामिन बी ट्वेल्व का कमी है, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व का कमी ब्रेन सेल्स को मेंटेन करने के लिए विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।